बीते कल ही विजिलेंस ब्यूरो दे वल्लों लुधियाना इंप्रूवमेंट ट्रस्ट दे साबका चेयरमैन अते कांग्रेसी आगू रमन बाला सुब्रमण्यम दे उत्ते कार्रवाई की गई सी। रमन बाला सुब्रमण्यम दे नाल नाल पांच होर व्यक्तियों खिलाफ विजिलेंस ब्यूरो दे वल्लों केस दर्ज किया गया सी। उन्होंने उत्ते दोष सन कि उन्होंने प्लॉटां दी गैर कानूनी ढंग नाल विक्री की है। इस संबंधी इन्होंने सारे व्यक्तियों के खिलाफ जो है केस जे तुसी फर्नीचर टाइल या फिर मार्बल खरीदन बारे सोच रहे हो तां हुण बाजार विच नहीं लगाउणे पैणगे चक्कर, समय दी होवेगी बचत। अमृतसर दा मशहूर फौजी मोदी खाना मार्बल एंड फर्नीचर हाउस थोड़े लिए लेके आया सुनहरी मौका। हुण इको छत हेठ मिलेगा बाजार नालों सस्ता ते वधिया समान, जिवें बैड, सोफा, अलमारी, टाइलां, हर किस्म दा मार्बल। नेड़े गुरुद्वारा छेरटा साहिब अमृतसर। वधेरे जानकारी लैण दे लई इक वार संपर्क जरूर करो 79-860-88-452 88-81-44-836। दर्ज किया गया सी। इस दे नाल नाल ही लुधियाना इंप्रूवमेंट ट्रस्ट दे साबका चेयरमैन अते कांग्रेसी आगू रमन बाला सुब्रमण्यम दे पीए संदीप शर्मा नूं भी गिरफ्तार किया गया सी। इस मामले संबंधी वधेरे जानकारी दिंदे होए विजिलेंस विभाग दे एसएसपी रविंदर पाल संधू ने होर की किया है, आओ सुनदे हां। कुलजीत कौर ईओ 14 तारीख को पकड़ी गई थी और ट्रैप केस में, उसके साथ और भी थे और वो जेल में जा चुकी है और उसका जो इन्वेस्टिगेशन हुआ था, इन्वेस्टिगेशन में काफ़ी बातें सामने आई थी और भी उसने जो दफ्तर में रहते हुए उसके कार्यकाल में काफ़ी कुछ उसने जो एलडीपी स्कीम होती है उसके तहत प्लॉट्स होते हैं और इनकी और भी स्कीमें होती हैं, जो प्लॉट्स हैं वो अनऑथराइज बंदों को दिए जिनका हक था उनको नहीं मिले, कहीं की तो डेथ हो गई थी। और उसका जो प्लॉट इन्होंने जो दिए उसमें काफ़ी हाई अमाउंट इन्होंने लेके जे गड़बड़ घोटाला किया था और वो फिर इसका अलग से पर्चा आज दर्ज किया गया है और इसमें एक संदीप है पीए जो एक्स चेयरमैन है उनका पीए उसको पकड़ लिया गया है। ईओ जो ऑलरेडी जेल में है उसको भी हम प्रोडक्शन मंडल पर लेके आएंगे और दोबारा उसको अरेस्ट करेंगे और फर्दर तफ्तीश की जा रही है। हाँ जी, नाम है उनका। टोटल 6 लोग हैं अभी तक और बाकी तफ्तीश की जाएगी, जो भी इसमें इन्वॉल्व होगा उसकी कार्रवाई। सर, इसके पीछे कोई पॉलिटिकल लीडर भी? देखिए, वो सारी तफ्तीश चल रही है, बाकी जो इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के एम्प्लॉई हैं उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया, बाकी तफ्तीश में जैसा जैसा सामने आएगा उसके अकॉर्डिंगली हम कार्रवाई करेंगे। सर, पूर्व चेयरमैन एक पार्टी से संबंधित है तो कैसे? देखिए, इसके बारे में मैं कुछ बोल सकता, वो जो भी पार्टी हो, हम तो जो उसका रैंक होल्ड कर रहे थे, जो भी उसके इन्वॉल्व होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। टोटल सर अभी कितने लोगों के ऊपर मामला? अभी 6 लोगों को पर्चा दर्ज हुआ, एक हमने पकड़ लिया, 2 हमारे जो मुलजिम है ऑलरेडी जेल में है, क्योंकि वो पहले केस में पकड़े गए थे, उनको हम लेके आएंगे। अमाउंट का कुछ जिक्र हुआ सर? वो काफी हैवी अमाउंट है, वो बाद में हम तफ्तीश जब की फिर बताया जाएगा बाद में। लुधियाना तो सुशील मचान दी रिपोर्ट, स्काई न्यूज़ पंजाब। हर खबर दी ताजा अपडेट जानने दे लई सारे यूट्यूब चैनल नु सब्सक्राइब करो अते फेसबुक पेज नु लाइक अते शेयर करो।